नमस्कार, श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 हिंदी में हमने अगले वीडियो में कथनी और करनी पाठ की समझ प्राप्त की थी। आज हम इसके स्वाध्याय या प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह जो वैकल्पिक प्रश्न है और रिक्त स्थान की पूर्ति है, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए, ये आपको होमवर्क में करना है। आगे हम बड़े प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उसमें है निम्नलिखित तो प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो एक एक वाक्य में उत्तर आप आसानी से लिख सकते हो। तो पहला जो प्रश्न है कि मनुष्य स्वयं को क्या समझता है, तो मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। दूसरा प्रश्न है, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा। तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा कि यह फूल मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। ये सज्जन वही थे जो जिसने तख्ती टांगी थी कि फूल तोड़ना मना है, इसलिए वो शर्मिंदा हो गए। आगे का जो प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया। तो बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कि कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है और किसके लिए नहीं। तो कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध जो है वो यात्रियों के लिए, बस में जो सवारी कर रहे हैं उसके लिए है, कंडक्टर के लिए नहीं। उसके आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 की दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया। तो दुकानदार ने अपनी दुकान में आए हुए ग्राहक को अपनी दुकान के सामने बीचों बीच स्कूटर खड़ा करने के लिए मना कर दिया, रोक दिया। परंतु उसी समय उसका जो बेटा आता है और वो स्कूटर बीचों बीच पार्क करता है, तो उसने अपने बेटे को रोका नहीं। इस प्रकार से इसका प्रश्न के उत्तर हम लिखेंगे। उसके आगे का जो प्रश्न है नंबर 6 कि मकान मालिक क्यों हंसने लगा। मकान मालिक किराएदार से 4 महीने से बाकी किराया लेने आया था। किराएदार के बेटे ने भी कहा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं, इसलिए मकान मालिक हंसने लगा। प्रश्न नंबर 7 है, बिल भरने के लिए कतार में खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था। तो उसके उत्तर में हम लिखेंगे, बिल भरने के लिए कतार में खड़े सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हम कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा हमारे पारी की राह देखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है कि जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें हमारी कथनी जो और करनी है उसमें समानता रखनी चाहिए। अब यहाँ पर जो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे, ये बड़े प्रश्न हैं। तो उसमें जो पहला प्रश्न है कि फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था। तो फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। तख्ती को पढ़कर वहां से गुजरने वाले व्यक्ति फूल नहीं तोड़ते थे, परंतु बड़े सवेरे ही सज्जन खुद फूल तोड़ते नजर आए। लोगों ने देखा तो सज्जन ने कहा कि यह फूल मैं भगवान के लिए तोड़ रहा हूं। इस प्रकार यहाँ पर फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में अंतर था। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि बस कंडक्टर ने व्यवहार में उनकी कथनी और करनी में क्या भेद दिखाई देता है। तो उसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा, उसे देखकर कंडक्टर ने उसे रोका और कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उस यात्री ने अपनी जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बीड़ी पीने लगा। तभी एक यात्री ने ड्राइवर के कैबिन में कंडक्टर को रोका, तो कंडक्टर ने पटाख से जवाब दिया कि कहा कि यह केवल यात्रियों के लिए सूचना लगी हुई है, कंडक्टर के लिए नहीं, यानी कि हमारे लिए ये सूचना नहीं है, ये सूचना केवल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ही है। इस प्रकार बस कंडक्टर के व्यवहार से उसकी कथनी और करनी में भेद दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3 है
कि दुकानदार की कथनी और करनी कि पोल कैसे खुली। तो एक ग्राहक चीजें खरीदने के लिए दुकानदार की दुकान में आता है और अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर देता है। दुकानदार उन्हें स्कूटर खड़ा करने पर रोकता है। ग्राहक अपना स्कूटर हटा देता है। थोड़ी देर के बाद दुकानदार का बेटा दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करता है तो उसे दुकानदार ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार से दुकानदार की कथनी और करनी में इस प्रकार की पोल खुल गई और उसकी असमानता दिखाई दी। आगे प्रश्न चौथा है, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा। अब किराएदार अपने घर में एक मित्र से बातें कर रहा था। उसी समय मकान मालिक उससे 4 महीने से बाकी किराया लेने आया। उसने दरवाजा खटखटाया। किराएदार ने खिड़की से झांक कर देखा। उसने अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक और उसके घर में आए हुए किराएदार के घर में आए हुए मेहमान मुस्कुराने लगे। इस प्रकार किराएदार को शर्मिंदा होना पड़ा। पांचवा प्रश्न है, धूम्रपान का निषेध है, निषेध यानी मना, कहां कहां और क्यों लिखा होता है। तो धूम्रपान निषेध है यह सार्वजनिक स्थलों पर लिखा होता है, बसों और रेलगाड़ियों में, अस्पतालों में, सिनेमाघरों में, पुस्तकालयों में, बाग बगीचे में, धर्मशाला, प्रतीक्षालय यानी कि किसी जगह पर हम किसी का वेट करते हो, प्रतीक्षा करते हो, राह देखते हो, उसे प्रतीक्षालय कहते हैं, आदि सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। तो ये पट्टियां क्यों लगाई जाती है, जिससे धूम्रपान करने से कई बार एक्सीडेंट, आग लगने की घटना भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये धूम्रपान का निषेध ऐसी सूचनाएं लिखी होती है। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं, प्रश्न छठा है, उसके उत्तर में हम लिखेंगे कि लोग ट्रेन, सर्कस, सिनेमा के टिकट के लिए, राशन की दुकानों में, टेलीफोन के बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं, बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं, शहरों में, मॉल में, बैंकों में भी कतार में खड़े रहते हैं। आजकल जो माहौल है उसमें सभी जगह हम कतार में ही खड़े रहते हैं। प्रश्न छठा है कि मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला जो है मुहावरा, गुणों की खान, तो उसका अर्थ है बहुत गुणी। उसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग में हम मुहावरों का उपयोग करेंगे। कई लोग अपने आप को गुणों की खान समझता है। दूसरा है पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। किराएदार अपने बेटे की बात सुनकर पानी पानी हो गया। अब यहाँ पर उचित जोड़े मिलाइए। हमने पहले विराम चिन्ह की समझ प्राप्त की थी, उसके आधार पर आपको ये सारे प्रश्न 7-8 है वो होमवर्क में करना है। इस प्रकार नौवां प्रश्न भी है, आप खुद अपने तरीके से कर सकते हो। आगे का जो प्रश्न नंबर 10वां है कि निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। आम के आम, गुठलियों के भी दाम, दोहरा लाभ होना। अगर कोई चीज होती है उसमें आपको मिल जाती है और उसमें आपको एक से अधिक लाभ हो, उसे आम के आम, गुठलियों के दाम भी कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, तो कि कर्मों के अनुसार फल मिलना, यानी आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपको उसके सामने अच्छा व्यवहार मिलेगा। जैसे करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। सच को आज नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे किसी से घबराने की जरूरत नहीं रहती। काला अक्सर भैंस बराबर, चौथी कहावत है, तो उसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़ होना, यानी कि उसे एक अक्षर का ज्ञान न होना, उसे अनपढ़ कहते हैं। प्रश्न 11वां है, जो निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाई, हमने उसके बारे में आपको भाववाचक संज्ञा की डिटेल में समझ प्राप्त की थी हमने और सबको समझाया था। तो सच्चा है तो सच्चाई, ऊंचा ऊंचाई, बच्चा बचपन, लंबा लंबाई, अमीर अमीरी, बूढ़ा बुढ़ापा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12वां है, उसमें हमें उसके भेद बताने हैं, यानी कि कौन सी संज्ञा है जो रेखांकित शब्द है। तो पहला जो वाक्य है कि मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर मनुष्य है वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य है हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, अहिंसा है वो भाववाचक संज्ञा है। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है तो भीड़ शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा है वो भाववाचक संज्ञा है। फूल सबको अच्छे लगते हैं, फूल जातिवाचक संज्ञा है। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, जो छठा वाक्य है उसमें विनम्रता शब्द है, उसके नीचे अंडरलाइन की गई है और वो है भाववाचक, तो विनम्रता भाववाचक संज्ञा है।
सातवां वाक्य है कि सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, तो सातवां जो वाक्य है उसमें सभा में अंडरलाइन किया गया है, तो सभा शब्द है वो समूहवाचक शब्द है। यहाँ पर हमारा जो चौथा पाठ है स्वाध्याय पोथी यानी कि उसकी प्रश्नोत्तरी भी पूर्ण होती है। इस प्रकार हमारा चौथा पाठ पूर्ण होता है। चलो बच्चों, बाय।